दोस्तों फाइनली Realme UI 6.0 चाइना में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो Realme UI 6.0 डिवाइस नेम भी देख लीजिए Realme GT5 Pro और नीचे में देख लीजिए Android 15 के ऊपर ये अपडेट बेस्ड होने वाला है, शायद आपको पता होगा। दोस्तों ये जो Realme UI 6.0 है ये ColorOS 15 और OxygenOS 15 तीनों अपडेट का फीचर्स आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी अपडेट का बहुत सारे फीचर्स बाहर आ रहा है, आज हम इस वीडियो में टोटल आपको 10+ ऐसी न्यू फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको Realme UI 6.0 या फिर OxygenOS 15 या फिर ColorOS 15 के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास Realme, Oppo या फिर एक OnePlus डिवाइस है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। तो ये चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो के तरफ। तो सबसे पहले Realme UI 6.0 का जो ऑफिशियली लोगो है वो भी बाहर आ चुका है। मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना के दिया था, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए Realme UI 6.0 का जो ओरिजिनल ऑफिशियली लोगो है वो आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। आपको बिग साइज का 6 लेटर देखने को मिल जाएगा, नीचे में लिखा जा रहा है Realme UI 6.0। दोस्तों अभी एक एक करके सभी फीचर्स को देख लेते हैं जो आपको Realme UI 6.0 के साथ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो सबसे पहला फीचर्स बाहर आ रहा है वो है बैटरी के रिगार्डिंग। Realme UI 6.0 Android 15 या फिर ColorOS 15 के अंदर बैटरी में आपको बहुत सारे कस्टमाइज के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बैटरी बैकअप को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है। दोस्तों फाइनली देखिए यहाँ पे पावर सेविंग मोड के अंदर आपको एक न्यूली सेटिंग देखने को मिल जाएगा, वो है वीडियो बैटरी सेवर। मतलब अगर आप वीडियो प्ले करते हो बहुत ही ज्यादा, वीडियो देखने के टाइम जो बैटरी है उसको भी आप सेव कर सकते हो। सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद उसका ही अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वीडियो बैटरी सेवर। आपको बैटरी सेक्शन में जाके इस फीचर्स को इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाएगा और आपको बैटरी बैकअप थोड़ा बेटर मिलेगा Realme UI 6.0 अपडेट के साथ। दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर्स बाहर आ रहा है ये फीचर्स तो नहीं है लेकिन Realme UI 6.0 या फिर ColorOS 15 का एप्लीकेशन का आइकॉन है वो यहाँ पे बाहर आ चुका है। तो आप फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो लोगो है आपको 3D लुक देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे चेंजेस भी इधर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख लीजिए जो फोटोज या फिर जो गैलरी का लोगो है वो बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके साथ साथ कैमरा का लोगो भी देख लीजिए, ये भी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। उसके साथ साथ थीम स्टोर सेटिंग का भी लोगो देख सकते हो जो एप्पल डिवाइस का जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हो थीम स्टोर और फाइल मैनेजर का लोगो भी इधर चेंज हो चुका है। दोस्तों मैंने Realme UI 6.0 या फिर ColorOS 15 का आइकॉन है उसका रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया है, आइकॉन पैक आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप अभी से Realme UI 6.0 का आइकॉन यूज करना चाहते हो आपका डिवाइस में तो गाइज आप जाओ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उधर से जाके इस आइकॉन पैक को आपका डिवाइस में आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। अभी एंड्रॉइड 14 में भी मेरे चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर्स बाहर आ रहा है वो है वॉलपेपर एंड स्टाइल सेक्शन के अंदर। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो Realme UI 6.0 या फिर ColorOS 15 या फिर OxygenOS 15 के अंदर आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल सेक्शन का जो लुक है बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। सबसे ऊपर में देख लीजिए आपको यहाँ पे माई थीम देखने को मिल जाएगा। Realme UI 5.0 का जो इंटरफेस था बिल्कुल ऊपर में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और माई थीम का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पे माई थीम का ऑप्शन बिल्कुल ही ऊपर में दिया जा रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबल थीम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये न्यूली एड किया जा रहा है। मतलब आपको एनिमेटेड थीम देखने को मिल जाएगा Realme UI 6.0 के अंदर। उसका ही नीचे देख लीजिए आपको वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके ही बगल में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया जा रहा है, फॉन्ट आइकॉन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे में आपको देख लीजिए आप एक कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट एनिमेशन और एज लाइटिंग का जो फीचर्स पहले था वो भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ फीचर्स इधर ऐड किया जा रहा है बिल्कुल ऊपर में। आप फिलहाल इसका इंटरफेस देख सकते हो। तो आपको इसका इंटरफेस पसंद आ रहा है या फिर नहीं आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर्स बाहर आ रहा है वो है Realme का मिनी कैप्सूल या फिर डायनेमिक आइलैंड के रिगार्डिंग। दोस्तों ये जो फीचर्स है बेसिकली एप्पल डिवाइस के देखने को मिलता था, लेकिन अभी Realme UI 6.0 या फिर OxygenOS 15 या फिर ColorOS 15 के अंदर ये सभी एप्लीकेशन में काम करेगा। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो, बाहर आ चुका है, बहुत सारे एप्लीकेशन में काम कर रहा है। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बाहर आ चुका है, वो भी फिलहाल आप यहां पे देख सकते हो। एक तरफ आपको ColorOS 15 देखने को मिल जाएगा, एक तरफ आपको iOS 18 देखने को मिल जाएगा। दोनों का आप एनिमेशन देख सकते हो, दोनों के अंदर आपको कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो ColorOS 15 का जो एनिमेशन है ना वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही यहां पे पसंद आ रहा है, थोड़ा फास्ट भी है। यहां पे देख लीजिए ये OnePlus का डिवाइस है, OnePlus 12 पर में आपको ColorOS 15 इंस्टॉल है, देख सकते हो। दोनों का आप एनिमेशन साइड बाय साइड देख सकते हो। आपको कौन सा एनिमेशन पसंद आ रहा है जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दोस्तों चलते हैं
नेक्स्ट फीचर्स की तरफ, जो आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन पैनल के अंदर। Realme UI 6.0 का जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। दोस्तों देखिए, HyperOS में आपको जो दो दो नोटिफिकेशन पैनल मिल रहा है, ठीक वैसा ही आपको ColorOS 15 या फिर Realme UI 6.0 के अंदर दो डिफरेंस आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी एक नोटिफिकेशन पैनल को इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। देख लीजिए दोस्तों, दो आपको अलग नोटिफिकेशन पैनल मिलेगा और नीचे में यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल का कस्टमाइज का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप उसको भी इधर से कस्टमाइज कर सकते हो। लाइव इमेज आ रहा है Realme UI 6.0 का। दोस्तों नेक्स्ट जो Realme UI 6.0 का हाइलाइटेड फीचर्स है वो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइज। तो Realme, Oppo या फिर OnePlus डिवाइस के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आ रहा है। अब से आप Realme UI 6.0 मतलब Android 15 के अंदर आपका डिवाइस का जो लॉक स्क्रीन है ना, उसको भी आप बहुत ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए नीचे में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेप्थ इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। आप क्लॉक छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो, उसका टेक्स्ट में आप बहुत ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो, उसका कलर भी आप इधर से चेंज कर सकते हो। तो ब्लॉक स्क्रीन में भी आपको बहुत सारे कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा अभी से Realme UI 6.0 या फिर ऑक्सीजनOS 15 के अंदर। ये बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है ऑल Realme, Oppo या फिर OnePlus यूजर के लिए। उसके बाद अभी Realme UI 6.0 में आपको जो पुराना वाला चार्जिंग एनिमेशन था उससे भी आप छुटकारा ले सकते हो। तो एक न्यू चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा, कुछ इसी तरह होने वाला है। आप फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको बिल्कुल एक डिफरेंस लुक देने वाला है। चार्जिंग एनिमेशन जो बबल यहाँ पे आ रहा है वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। राउंड सर्कल में देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ ऊपर में आपको व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी दिया जा रहा है। तो Realme UI 6.0 के साथ आपको एक न्यू चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा, जिसका भी फोटो अभी बाहर आ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स था जो अभी बाहर आ रहा है Realme UI 6.0 ColorOS 15 या फिर OxygenOS 15 के रिगार्डिंग। बहुत ही जल्द इंडिया में भी अपडेट आ जाएगा। चाइना में ऑलरेडी अपडेट रोल आउट हो चुका है Realme GT5 Pro डिवाइस के लिए। इंडिया में भी Realme 12 Pro Plus डिवाइस के लिए बहुत ही जल्द अपडेट आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब भी कोई न्यूज आएगा Realme UI 6.0 या फिर ColorOS 15 के रिगार्डिंग मैं सबसे पहले वीडियो लेके आऊंगा। तो गाइस जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको व्हाइट कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यार मिलते रखना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।